दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हैं, आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर। अगर देखा जाए तो लगातार आप सभी के बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हर एक सिलेबस को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। सेम वही सिलसिला आपके बीच में फिर से एक बार स्टार्ट हो रहा है मैराथन क्लास के रूप में। यानी कहा जाए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को जो है अगर देखा जाए तो अधिकतर मैंने फिनिश कर दिया है, लेकिन अब फिर से एक बार वो सिलसिला है मैराथन क्लास दे के आपके रिवीजन कराने का। तो देख सकते कहा जा रहा है प्रथम सेमेस्टर परीक्षा का टारगेट बिल्कुल अगर देखा जाए हूबहू हम प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं। यानी जिस तरह से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एक नंबर के कैसे पूछे जाएंगे, आपको अपने कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है, दो नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसको भी हम सेम टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि इससे बाहर नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल तय है कि जितना कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जो है मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि इससे बाहर आपका कोई पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि जितना आपको कहा जाए उतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ लोग डरते हैं कि भैया आखिरकार कहीं किसी सब्जेक्ट में मेरा बैक ना लग जाए। देखिए मैंने कहा आपसे, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं अगर आप सेम उतना ही पढ़ाई करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि कभी आपका बैक नहीं लगेगा। लेकिन जितना अगर हम कहें उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कह दें कि बैग आपका नहीं लगेगा और आप एकदम मस्त भरे में घूमते टहलते रहें तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो आपको जितना जितनी वीडियोस यहाँ से प्रोवाइड किया जाए आप ध्यान से उस वीडियो को देख लीजिए और अधिकतर चीजें दिमाग में सेट कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ 100% का कि आप बैग नहीं लगने देंगे, ठीक है। तो चलिए हम उसको जो है स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि हाँ यहाँ से दी जाने वाली चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए आपके बीच में पहला स्टार्ट है। जैसा कि देख सकते हैं कहा जा रहा है, देखिए मैराथन क्लास है, कम से कम 40 45 मिनट 50 मिनट इतना जा सकता है और कम भी हो सकता है। हालांकि अगर देखा जाए हम ज्यादा से कम शब्दों में और कम से कम समय में हम इसे देने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो भी लंबा ना जाए और आपको देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। कहा जा रहा है क्रियापरक जो है विधि से क्या अभिप्राय है। देखिए क्वेश्चन पहला है क्रियापरक विधि से क्या अभिप्राय है। क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय से किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। क्रियापरक शिक्षण का देखिए अगर देखा जाए इस चीज को आप सीरीज में तो पा जाएंगे लेकिन इस चीज के अर्थ को आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। किताब से ही सब कुछ आपको नहीं मिल जाता, है ना। अब किताबी लैंग्वेज तो अपने आप में दे दिया है लेकिन उसे आपको समझने की जरूरत है। जैसे क्रियापरक शिक्षण का मतलब क्या होता है, क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है, ठीक है, तब जाके आपका क्रियापरक शिक्षण होता है। अगला कहा जा रहा है रुचिपूर्ण शिक्षण के लिए या रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। अब रुचिपूर्ण शिक्षण क्या है आप इस चीज से समझ पा रहे हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण मतलब आप कोई भी टीचिंग कार्य कर रहे हैं जिसमें आप रुचि ले रहे हैं। जैसे रुचिपूर्ण शिक्षण संबंधित जो है क्रियाकलाप निम्न है, गीत कविता है अधिकतर बच्चे रुचि लेते हैं, कहानी चित्रण में भी बच्चे रुचि लेते हैं, खेल में भी बच्चे रुचि लेते हैं, अभिनय नाटक हो गया उसमें भी बच्चे रुचि लेते हैं, और आगे कहा जाए भ्रमण निरीक्षण में इसमें भी पहेली हो गया वार्तालाप हो गया पर्यावरण में पाई जाने वाले वस्तुओं का प्रयोग करने में बच्चे जो है वो रुचिपूर्ण शिक्षण
बिल्कुल लेते हैं, ठीक है। रुचिपूर्ण शिक्षण मतलब आप जैसे हम कहें आपसे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर मेरे शिक्षण में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें रुचि नहीं लेंगे। तो यही मेरे कहने का सेंस है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप रुचि 100% लेंगे, ठीक है। तो यहां तक की चीजें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगला कहा जा रहा है, प्रश्न आपका कह रहा है कि गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए देखिए, हमने कहा आपसे गेज के अनुसार पूछा जाए, अगर आपको किसी कारणवश या वर्तमान समय की हम बात करें, जैसे आप परीक्षा हाल में बैठे हैं, मैं मानता हूं कि आपको पर्सनल गेज के अनुसार शिक्षण की परिभाषा या स्किल डेवलपमेंट की परिभाषा नहीं याद आ रही, तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एक चीज, एक टेक्निक आपको बताया है कि आप शिक्षण की परिभाषा किसी के अनुसार लिख दीजिए, बट वहां लिख दीजिए कि गेज के अनुसार है, ठीक है। तो हो सकता है कि 2 नंबर की, अगर 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो 1 नंबर आपको मिल जाए, बट अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ध्यान से चेक कर देगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कम से कम आप इतना तो लिख ही दीजिए भाई, हो सकता है आपको दे दे। अधिकतर चांसेस जो है होते हैं कि आपको नंबर मिल सकता है, क्योंकि आज के जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें बच्चों की भावनाओं को देखते हुए नंबर दिया जा रहा है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे गेज के अनुसार अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना, आप किसी के अनुसार शिक्षण कौशल की परिभाषा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो सकता है नंबर मिल जाए, ठीक है। तो कहा जा रहा है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है, ठीक है। शिक्षण कौशल, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं है ना, अगर आपको शिक्षण का ज्ञान नहीं तो आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए शिक्षण कौशल आपका होता है, समय समय पर इसका प्रयोग किया जाता है ताकि हमारी कक्षा जो है वो अच्छी तरह से चलती रहे, है ना। अब कहा जा रहा है दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है, दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है। कहा जा रहा है शिक्षण आधारित, ठीक है, दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है कि दक्ष कक्षाओं द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बनाए, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बनाए। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक शिक्षा सीख ले, उसका जीवन अंग बन जाए, ठीक है, ये दक्षता आधारित शिक्षण है, ठीक है। अगला, दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते, आपने दक्षता आधारित शिक्षण का अर्थ समझ लिया, ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, भाई उद्देश्य के बारे में भी जानना है। तो कहा जा रहा है दक्षता आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो कहा जा रहा है छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना, ठीक है, छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना। अगला कहा जा रहा है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। तीसरा कहा जा रहा है ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करना। और चौथा कहा जा रहा है शिक्षण के प्रति रुचि तथा सहयोग की भावना का विकास करना, ये दक्षता आधारित शिक्षण का उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होता है। तो पूर्ण से अंश की ओर यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होता है ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है ना, शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसके आंसर को अगर देखा जाए तो शिक्षण प्रविधि वास्तव में जो है शिक्षण प्रक्रिया का शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो इसका उत्तर शिक्षण प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितने और अच्छे तरीकों से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण प्रविधि के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है, ये शिक्षण प्रविधि का अभिप्राय होता है, ठीक है। चलिए, अगला आपसे कहा जा रहा है कि वर्णन विधि जो है वर्णन विधि के तरीके लिखें। देखिए, वर्णन विधि के तरीके जो है चित्रों या चित्र एवं मॉडल द्वारा, भ्रमण द्वारा, भाई आप वर्णन विधि कैसे, वर्णन किसी चीज का कैसे करेंगे, जब आप उसके बारे में जानेंगे, जैसे आप चित्र के बारे में देखेंगे, मॉडल देख लेंगे तब जानेंगे, भ्रमण करेंगे तब जानेंगे, या आप उसे करके जो है प्रयोग करेंगे तब जानेंगे, ठीक है, ये आपका वर्णन विधि है। व्याख्यान विधि के लाभ क्या होते हैं, जैसे हम लेक्चर तो दे रहे हैं
बट मेरे लेक्चर का क्या लाभ हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, जटिल एवं दुरूह विषय का ज्ञान होता है, जैसे मैं मानता हूं कि आपको शिक्षण अधिगम नहीं समझ में आता है, तो मैंने यार चैलेंज किया 100% का कि बाबू अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताएं, ठीक है? बट आप कमेंट तो करें, नहीं तो जिस तरह से लेक्चर आपका चल रहा उसी तरह से चलता रहेगा। मैंने हमेशा कहा है कि आप मुझे कमेंट करके ये प्रक्रिया जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? चलिए, व्याख्यान विधि के लाभ क्या होते हैं? जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान आपको होता है, विषय का सरलीकरण होता है, ठीक है? अगला कहा जा रहा है स्वाध्याय की भावना होती है, पाठ के हर पहलू का ज्ञान आपको होता है। जैसे मैं मानता हूं कि आप देखे होंगे कि कभी कभी आप जो है चैप्टर के किसी शब्द को छोड़ देते हैं, किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन एक जो टीचर होता है ना चैप्टर के किसी भी पार्ट को वो छोड़ता नहीं है, तो पाठ के हर पहलू का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगला कहा जा रहा है अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान होता है, ठीक है? यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट्स होता है तो आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जो है गणित शिक्षण में उपयोगी कि नहीं, दो टीएलएम। अब यहां एक शब्द आया हुआ है टीएलएम, ये टीएलएम क्या होता है? कभी कभार आपसे टीएलएम का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है डायरेक्टली, इस तरह से टी हो गया, एल हो गया और यम हो गया, ठीक है? इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, टीचिंग लर्निंग मेथड कह सकते हैं या मटेरियल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहां देख लीजिए, इसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो पहला है तीलियां, जो है गिनती गिनाने में, जोड़ बाकी सिखाने में, ठीक है? गोलियां हो गई, जोड़ बाकी गुणा सिखाने में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए, ठीक है? खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो खेल पर आधारित तो जो है शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं, पहला है खेल विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि हो गया, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि। ये जितनी विधियां, पांच विधियां मैंने आपको बताया है, ये पांचों अपने आप में बिल्कुल महत्वपूर्ण विधियां हैं, है ना? इसे आप कतई मिस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा दक्षता आधारित, ठीक है? देखिए, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान कौन कौन से होते हैं? देखिए, दो सोपान जो कहा जा रहा है, पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण आपका हो गया, पहला है। दूसरा कहा जा रहा है सहायक सामग्री की व्यवस्था या विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण हो गया। तीसरा है नियम निर्णय का सामान्यीकरण हो गया। ये आपके दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान के अंतर्गत आते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं कौन सी होती हैं, है ना? देखिए, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी होती है जिसकी दो विशेषताएं आपको लिखना है? मैंने चार चार विशेषताओं को दे रखा है, ठीक है? देखिए, कहा जा रहा है बिना लागत की प्राप्त सामग्री जो है, अल्प लागत की प्राप्त सामग्री, एक से अधिक विषयों का प्रयोग हो गया और एक से अधिक पाठों का प्रयोग हो गया। ये उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताओं के अंतर्गत आएंगी, ठीक है? तो ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो जो शिक्षण अधिगम की सामग्री हमारी होती है, इसे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है कि दृश्य सामग्री क्या होती है, श्रव्य सामग्री क्या होती है और दृश्य श्रव्य क्या होती है। दृश्य सामग्री होती है जिसमें केवल देख सकते हैं, श्रव्य माने सिर्फ सुन सकते हैं, और श्रव्य दृश्य मीन्स जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, जैसा कि यहां देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक के किस क्रियाओं में समन्वय होता है, ठीक है? शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का, ये संज्ञानात्मक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जीन प्याजे के द्वारा दिया गया है, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये सब सारे सिद्धांत हम आपको बताएंगे, ठीक है? कहा जा रहा है क्षेत्र का बालक के किन क्रियाओं में क्रियाओं से संबंध होता है। कहा जा रहा है बालक के जैविकीय परिपक्वता है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण का मैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है? वातावरण के सार्थक क्रियाएं हो गई, अंतः क्रिया द्वारा ग्रहण करना और चौथा आपका है संतुलन, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है। भाई, एक चीज, एक शब्द यहां आया है पुनर्बलन, ये पुनर्बलन होता क्या है? देखिए, अगर हम कहें आपसे, मैं आपसे फीडबैक क्यों कहता हूं कि आप मुझे फीडबैक दें,
यही जो आप फीडबैक देते हैं यही आपका पुनर्बलन होता है। ठीक है, कहा जा रहा पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है। पुनर्बलन शिक्षण के मनोविज्ञान से लिया गया है, अधिगम के मनोविज्ञान से लिए गए। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं और अध्यापक के आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला कहा जा रहा है पुनर्बलन आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित होता है जिसके अंतर्गत जो है व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार से व्यवहार को दूर करता है। अतः पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक स्थिति है। पुनर्बलन में उन उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण से हटाने से किसी अनुक्रिया के होने के जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। ये आपके पुनर्बलन कौशल के अभिप्राय के अंतर्गत आएगा। ये 2023 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि शिक्षण शिक्षण के अधिगम वा सॉरी शिक्षण के आगमन विधि की क्या अभिप्राय है। यह आगमन विधि एक शिक्षण की विधि होती है, इससे आपका क्या अभिप्राय है। तो कहा जा रहा है आगमन या मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है। यह क्रिया विशिष्ट वस्तुओं से निरीक्षण द्वारा व्यक्ति को सामान्य सत्य की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, निर्णय और सामान्यकरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए, बाकी इधर आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। यहां मैंने एक क्वेश्चन दे रखा 2030 का, सॉरी 2019 का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काठिन्य निवारण किस विषय जो है, किस विषय की पाठ योजना का घटक है, यह क्यों किया जाता है। काठिन्य निवारण, जैसे कोई चीज मैंने कहा आपसे, मैं मानता हूं कि आपको शिक्षण अधिगम जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा टफ लगता है, तो टफ लगता है मैं मानता हूं, तो आपके हम हर एक काठिन्य निवारण यानी जितनी चीजें आपको टफ लगती हैं हम उसके निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कहा जा रहा है काठिन्य निवारण जो है व्याख्यान कौशल का घटक है। व्याख्यान कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान में शब्द जो है व्याख्या, भाषण, व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द बनाए जाते हैं और जटिल विचारों को छात्रों के अनुभूत भावों से प्रस्तुत किया जाता है तथा कठिन सभी कठिनाइयों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। देखिए जो आपका काठिन्य निवारण है, जैसे एक टीचर होता है आपको अगर पढ़ाया जा रहा है, देखिए यहां मैं आपकी बात नहीं करता हूं, ध्यान दीजिएगा, भले ही मैं आपको कहता हूं लेकिन जब भी यहां बात होती है तो 1 to 5 की ही बात होती है, क्योंकि आपको जब टीचर बनना है तो 1 to 5 का ही टीचर आपको बनना है ना। तो मैं मानता हूं जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है थोड़े से कठिन कठिन शब्द आते हैं, उसी कठिन शब्द को दूर करने, उसी को हम काठिन्य निवारण कहते हैं, है ना। चलिए यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बाकी अगर कोई भी डाउट्स आपके रहता है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है आप मुझे बताने का प्रयास करें, मैराथन क्लास आपके बीच में चल रही है। ठीक है, चलिए ऊपर देखिए थोड़ा सा ये आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अगले क्वेश्चन से बताने का प्रयास करते हैं। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। देखिए बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण क्या होता है। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर वैयक्तिक रुचियों, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं, अनुशासन बना रहता है। आज के समय में आपने देखा होगा हमारे बीच में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है ना। तो जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर होते हैं वो एक से अधिक कक्षा को एक क्लास में बैठाकर वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है जब टीचर नहीं होंगे, जब टीचर नहीं होंगे तो एक से अधिक क्लास के बच्चों को एक में शिफ्ट करना होगा। ठीक है, ताकि उनकी जो जो अध्ययन की प्रक्रिया है वो अनवरत बनी रहे। लेकिन टीचर को ध्यान में क्या रखना है, बहुस्तरीय जो है
कक्षा शिक्षण तो आप करेंगे, लेकिन उनकी वैयक्तिक रुचियों को आपको ध्यान में रखना है, उनकी भिन्नता को आपको ध्यान में रखना है, उपलब्धि को ध्यान में रखना है, अभिरुचि को ध्यान में रखना और मानसिक परिपक्वता को भी आपको ध्यान में रखते हुए बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण आपको कराना होगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया। अगला कहा जा रहा है शिक्षण के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, शिक्षण के किन्हीं दो उद्देश्यों को आपको लिखने की जरूरत है, वो कौन कौन से उद्देश्य हैं? शिक्षण के पहला है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत देखिएगा, बालकों को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, अगला कहा जा रहा है शिक्षण के उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम जो है वो उपयुक्त नहीं होता है ना। अब इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, अगर हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कहें तो विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें अध्यापक कक्षा में निश्चित समय तथा निश्चित बच्चों को एक निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात देखिएगा, अर्थात शिक्षक द्वारा 30 मिनट की कालांश में छात्रों को जो विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है, जैसे शिक्षक महात्मा गांधी का पाठ पढ़ा रहे हैं और महात्मा गांधी के बारे में विशिष्ट जानकारी दे रहे हैं, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहां भी आपका क्लियर हो गया। बाकी अब कोई डाउट्स आपका बचा है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, है ना। अगला कहा जा रहा है संप्रेषण के प्रमुख घटकों के जो है नामोल्लेख करिए। संप्रेषण के तीन घटक हैं, प्रेषक है, संदेश ग्राही है। ठीक, एक प्रेषक होता है, दूसरा प्राप्त संदेश देने वाला, तीसरा जो है संदेश को ग्रहण करने वाला होता है। ठीक है, ये तीन घटक हैं। सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य, अभी इसके पहले मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया, फिर से देखिए वही चीज रिपीटेड है। ठीक है, एलन के अनुसार हमें लगता है कि इसके पहले आपने गेज के अनुसार देखा था। ठीक है, संभवतः अभी उलट कर पेज को देखा जाए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एलन के अनुसार अगर कहें तो कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे जो है थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में जो है संपन्न किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी जो है देखिए माइक्रो टीचिंग जिसे हम कहते हैं, जैसे इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय होता है, छोटा सा एक टॉपिक आपको दिया जाता है, बच्चों के समक्ष आपको पेश करने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण के कोई दो उद्देश्य बताइए। शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मानसिक क्षमता का विकास करना और क्रियाशीलता का विकास करना, ये तो वही शिक्षण के उद्देश्य हो ही सकते हैं। चलिए अगला आपका आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम अगले के तहत कहें तो वैयक्तिक संप्रेषण के दो लाभ कौन कौन से होते हैं, भाई ज्ञान प्राप्त करना, सही भाषा तथा सही उच्चारण करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों के नाम लिखे, सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। और भी शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों के उल्लेख की बात कही गई है। अन्वेषण विधि का अर्थ बताइए। ठीक है, अन्वेषण प्रविधि क्या है? अन्वेषण प्रविधि का तात्पर्य शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालकों की खोज करने वाली स्थिति में बालकों को खोज करने वालों की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें खोज करने या नए ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। ठीक, अन्वेषण यानी खोज प्रविधि जिसे हम कहते हैं, जैसे एक छोटा सा बालक जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। आपने देखा होगा आपके घर में जब छोटा सा बालक होता होगा तो कभी कभार आपने कुछ खिलौनों को अगर बच्चों को दिया होगा तो बच्चा उसे तोड़ देता है, तोड़ने के बाद फिर से उसे जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये टेक्निक आती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है, तो क्या उसके दिमाग में नई चीजें आई कि नहीं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ गार्जियंस होते हैं फटाक से बच्चों को मार देते हैं, लेकिन कभी बच्चों को मारना नहीं चाहिए। अगर खिलौनों को वो तोड़ दिया है तो आप उसे तोड़ने दीजिए। ठीक है, तो यही चीज होता है, जो छोटा सा बालक है वो हमेशा नन्हा वैज्ञानिक होता है। आपने जब उससे कहानियां वगैरह सुनाना शुरू किया होगा तो कहता होगा भैया अगर ऐसा हो जाता तो। ठीक है, फिर आपने उसका आंसर बताया, फिर से उस बच्चे के मन में सवाल उठता है कि अगर यहां ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, तो उसके दिमाग में जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, जो सृजनशीलता है वो हमेशा आ रही है कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि छोटा सा बालक जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है ना। चलिए ये हो गया
चलिए लास्ट पेज आपके बेस में आ चुका है, देखिए। हाँ बिल्कुल, चलिए आ रहा है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता जो है एलन हो, है ना। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, जो है सॉरी, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित किया जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। प्रश्न कौशल के अंतर्गत कौन से प्रश्न आते हैं? देखिए, प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्न कैसे हो, सरल एवं स्पष्ट हो, प्रश्न प्रासंगिक हो, प्रश्न स्तरानुकूल हो। ऐसा ना हो कि हम कक्षा 4 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप प्रश्न दे दीजिए 9-10 के बच्चों का, ठीक है। उसके स्तर के अनुकूल होना चाहिए। प्रश्नों में विविधता तथा बोधगम्यता हो। पाठ प्रश्न पाठ के अनुसार जो है क्रमबद्ध श्रृंखला में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कर कुछ रहे हैं, क्रमबद्ध बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसा ना हो। क्वेश्चन है, कोल्विन ने प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा है, ठीक है। ये कोल्विन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा है? तो प्रश्नीकरण के विषय में लिखा है कि सबसे प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, अर्थात प्रश्न के माध्यम से छात्रों को ज्ञान आसानी से प्रदान किया जाता है तथा जो है शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में, ठीक है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, समझने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है शिक्षण में प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। शिक्षण में प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सामान्य पाठ या विशिष्ट शिक्षण में किस शिक्षक का, ठीक है, शिक्षण में किस शिक्षक की सफलता उसके भली भांति प्रश्न पूछने की क्षमता या योग्यता पर निर्भर करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन राय बर्न महोदय का है। इतने बड़े कथन तो वैसे पूछे नहीं जाते हैं, बट अगर दे दिया गया है तो आप थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। रेमंड के अनुसार एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन हो सकता है, ठीक है। जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या हम रेमंड के अनुसार प्रश्नकर्ता, एक अच्छे प्रश्नकर्ता हो सकते हैं? उत्तम प्रश्न करने की शैली प्राप्त करना एक नए शिक्षक की प्रमुख आकांक्षाओं में से एक होनी चाहिए। अतः एक अच्छा प्रश्नकर्ता एक अच्छा शिक्षक ही हो सकता है, ठीक है भाई। जब शिक्षक को, जैसे मैं आपको शिक्षण अधिगम तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब मुझे शिक्षण अधिगम के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम एक अच्छा प्रश्नकर्ता नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, पार्कर का प्रश्न विषय में क्या विचार है? तो पार्कर का कहना है कि प्रश्न आदत कौशल स्तर के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, वुडवर्थ ने अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी है? अधिगम के संदर्भ में वुडवर्थ की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कामा में, किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, उसके वर्तमान व्यवहार एवं अनुभवों को जो कुछ भी हो सकते हैं भिन्नता स्थापित होती है और सीखने की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। ये वुडवर्थ के अनुसार जो सीखने या कहा जाए सीखने, चाहे सीखना कहे चाहे अधिगम कहे, अधिगम में सीखना ही होता, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सब चीजें एक ही है, ठीक है। बर्न हटे ने जो है अधिगम की क्या परिभाषा दी है? तो बर्न हटे ने अधिगम की जो परिभाषा दी है उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, बर्न हटे ने अधिगम की परिभाषा अपने परिभाषित जो है आपने परिभाषित करते हुए लिखा है, या बर्न हटे ने अधिगम की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सीखना व्यक्ति के कार्यों में से एक अस्थायी परिवर्तन लाना है। भाई एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं मानता हूं कि आप किसी चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। सीखने के बाद आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, ठीक है। तो सीखना जो होता है व्यक्ति के कार्यों में से एक अस्थायी परिवर्तन लाना है, जो निश्चित परिस्थितियों में से एक उद्देश्य तथा उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के प्रयास में अभ्यास द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट्स आपका बचता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी डाउट्स आपका रह गया होगा। बाकी अगर, भाई देखिए, त्रुटियां हर किसी से हो सकती हैं,
अगर कोई डाउट्स हैं, कहीं किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है, तो बिल्कुल आप मुझे अवगत जरूर कराइएगा। बाकी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि आज की जो यह क्लास आपके बीच में जा रही है पूरे आधे घंटे की, आधे घंटे में आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, इसका फीडबैक मुझे अवश्य चाहिए। और मैं निवेदन भी करूंगा कि आप कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। तो चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।